मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान नेवी के तीसरे मिल्जिम क्लास कार्बेट जहाज VNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया है कराची में। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा कर सकते हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कराची शिपयार्ड आमद के ये मनाजिर हैं। जहाज तुर्की के MS इस्फात के ताबुन से कराची शिपयार्ड में इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है। ये उनकी आमद के मनाजिर आप मुलाहजा कर सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त कराची शिपयार्ड पहुंचे हैं, जहां पर पाकिस्तान नेवी के तीसरे मिल्जिम क्लास कार्बेट जहाज PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। कराची शिपयार्ड की टेक्निकल टीम के पाकिस्तान नेवी के तीसरे मिल्जिम क्लास कार्बेट जहाज PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। कराची शिपयार्ड की टेक्निकल टीम के साथ वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुतारिफ कराया जा रहा है। इस वक्त ये आप मनाजिर देख सकते हैं। वजीर आजम ने फर्दन फर्दन मुसाफा किया है। तमाम अफसरान जो यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान नेवी के तीसरे मिल्जिम क्लास कार्बेट जहाज PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब है, जिसका इनेकाद कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क में किया जा रहा है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी भी इस वक्त वजीर आजम का इस्तकबाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये जहाज तुर्की के MS इस्फात के ताबुन से कराची शिपयार्ड में तैयार किया गया। वजारत दिफाई पैदावार और तुर्की के MS इस्फात के माबेन मुआहदे के तहत दो कार्बेट जहाजों की तामीर पाकिस्तान, जबकि दो की तामीर तुर्की में की जा रही है। वज़ीर आज़म ने इस वक्त तुर्क वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की है, वो भी इस वक्त इस तकरीब में मौजूद हैं। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने इस्तकबाल किया है वज़ीर आज़म का। तुर्की के एम्बेसडर भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। और इस वक्त तमाम लोग कौमी तराने के लिए मौजूद हैं, अपनी नशस्तों पर खड़े हो चुके हैं। मिली मार्शलरे ओकुनुजाक्तर तुम मुसाफिरलरिमिज़िन आया कालकमसिनि Askeri personelin ise selama durmalarını arz ederim.
now start the proceedings of today's ceremony with the recitation of Holy Quran. Törenimize ilişkin Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacaktır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر بجا لاؤ اور آسمان اور زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو غور کرے یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین کراچی میں پروقار تقریب کا اہتمام شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں کیا جا رہا ہے قومی ترانے سے آغاز ہوا تلاوت قرآن پاک کی گئی اور اس تقریب میں وزیراعظم محمد شہباز شریف خصوصی طور پر شرکت کے لیے پہنچے ہیں پاکستان نیوی کے تیسرے ملجم کلاس کارویٹ جہاز پی این ایس بدر کی لانچنگ تقریب ہے جس کا آج انعقاد کیا گیا ہے